दोस्तों ये एक स्टोरी है जिसे आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार कुछ चीजें नहीं भी हैं तब भी ठीक है। तो आप बने रहिए हमारे साथ और मैं आपको ये स्टोरी बताने वाला हूँ। और दोस्तों अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। दोस्तों एक चाय वाला जिसे एक जॉब की तलाश थी। अरे रेहान, आज तो तुम्हारा इंटरव्यू है, इंटरव्यू देने नहीं जा रहे हो बेटा? जाओ दुकान में संभाल रहा हूँ, तुम इंटरव्यू जाके जाओ। रिज्यूम लाइए। व्हाट्स योर नेम? सर माय नेम इज रेहान सैफी। क्या जानते हैं आप हमारी कंपनी के बारे में? ये टेलीकॉम कंपनी है, तो आप कैसे ज्वाइन करेंगे इसमें? सर मैंने बीकॉम किया है, लेकिन सर मैं आपकी कंपनी को बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाऊंगा। सर फिलहाल करते क्या हो आप? सर मैं चाय बेचता हूँ, लेकिन मेरा भी ख्वाब है सर मैं एक ऑफिस में काम करूँ। सर मैं बहुत गरीब इंसान हूँ। कासिम भाई इनकी जीमेल आईडी तो है नहीं? लेटर्स नहीं? जीमेल आईडी कहाँ है आपकी? सर जीमेल एड्रेस क्या होता सर? आपको जीमेल एड्रेस नहीं मालूम? सर मुझे नहीं पता सर, मेरे पास जीमेल आईडी नहीं है सर। हम आपको सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके पास जीमेल आईडी नहीं है। अरे रेहान, आज तो तुम्हारा इंटरव्यू है, इंटरव्यू देने नहीं जा रहे हो बेटा? जाओ दुकान में संभाल रहा हूं, तुम इंटरव्यू जाके जाओ। हम आपको सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास जीमेल आईडी नहीं है। हम आपको सेलेक्ट नहीं कर सकते। अरे रेहान, आज तो तुम्हारा इंटरव्यू है, इंटरव्यू देने नहीं जा रहे हो बेटा? हम आपको सेलेक्ट नहीं कर सकते। अरे रेहान, आज तो तुम्हारा इंटरव्यू है, इंटरव्यू देने नहीं जा रहे हो बेटा? उसने देखा रोड पे कुछ लोग सब्जी बेच रहे थे। उसने कहा से सब्जी बेचना स्टार्ट कर देते हैं। सब्जी बेचना स्टार्ट कर दिया उसने। सब्जी बेचना स्टार्ट कर दिया उसने। पहले वो मंडी से सामान लेता था और रिटेलर में बेचता था अपना रोड पे लगा के। कुछ दिनों बाद उसने मंडी में ही अपनी एक शॉप डाल ली। ऐसे करते करते वो एक टाइम के बाद मल्टी मिलियन बन गया, करोड़पति हो गया उस बिजनेस में। सडनली मैं इंडियन
चैनल से हूँ, ये सर से मिलना है। नहीं सर से आप नहीं मिल सकते, आप जाओ यहाँ से, इम्पोर्टेंट काम है, मिलना जरूरी है। बिल्कुल सर, सर बहुत बिजी हैं, आप जाइए यहाँ से, कल बात करना, आप जाइए। नहीं नहीं मुझे मिलना है, बहुत इम्पोर्टेंट काम है। प्लीज आप जाइए, सर बिजी हैं, कल बात करिए, जाइए आप। इधर उधर उधर एक मिनट रुक जाओ, मैं पूछ के ही बताता हूँ आपको, ठीक है? आप ही खड़े रहो, थोड़ा जल्दी बताना। ठीक है। आइए सर, सर बुला रहे हैं आप, आइए। इंटरव्यू में उस रिपोर्टर ने आफ्टर इंटरव्यू उनसे पूछा कि सर आपकी ईमेल आईडी मिल सकती है क्या? उन्होंने कहा कि यार ये ईमेल आईडी नहीं थी मेरे पास, इसलिए मैं आज यहाँ पे हूँ। अगर ईमेल आईडी होती तो मैं एक चाय बेचने वाला ही होता। तो दोस्तों, कुछ चीजें अगर हमारी लाइफ में नहीं हो तो उसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। हमें लगता है कि वो चीज़ नहीं है, तब भी क्या पता उसके ना होने से हम कुछ उससे अच्छा कर जाए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए।